और इसे डस्टबिन में ही डालना है, ठीक है कार्तिक, इसे डस्टबिन में ही डालना है। हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलोलिक शरद में। और एक्चुअली मेरा ब्लॉग काफ़ी दिन से बंद था, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था, मेरे पास मेरी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना ब्लॉग शूट करने आया हूँ। और मैं वैसे तो ट्रैवलिंग ब्लॉग, आपको पता है ट्रैवलिंग ब्लॉग आते हैं, लेकिन आज कुछ अलग सा हटके करेंगे हम। सोशल वर्क पे हैं आज हम, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। एक संस्था है महादेवी लाइब्रेरी करके, जिसके फाउंडर हैं विपिन सर, जो कि अभी आपको उनसे मिलाऊंगा मैं। और आज हम वही करेंगे, आज हम यहाँ से स्वच्छता अभियान चलेगा, जो कि हम जहाँ रहते हैं मांडूवाला से लेके सिद्धूवाला तक का स्वच्छता अभियान चलेगा। तो यहाँ से अभी हम स्वच्छता अभियान स्टार्ट करेंगे और फिर जो भी होगा आपको वहाँ दिखाएंगे। और मिलाते हैं अभी आपको विपिन सर। ये हमारे विपिन सर, और आप अभी आपको बताएंगे कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और अभी आपको सारा इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे होगा क्या होगा। जैसे कि आज गांधी जयंती है, आपको पता है, और हम आज मांडूवाला से सिद्धूवाला एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ यहाँ पे कई कॉलेज के स्टूडेंट्स साथ आए हैं। और हम यहाँ पर लाइब्रेरी की तरफ से लोगों को ये एक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हम लोगों को कूड़ा कूड़ेदान में डालें, ताकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ और सुथरा रहे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि आप सब कूड़ा कूड़ेदान में डालें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, सब मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जितना हो सके आप प्रिकॉशन लें, और आजकल जितना भी हो सकता है आप बच के रहें, कोविड से बचें। हाँ, हम लोग आए थे तो कुछ अच्छा करके गए, बाकी चीज़ें तो हमें मिलती रहती है, मौज मस्ती तो हम ये है कि कभी भी निकल के कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा टाइम जो हमें मिला है तो वो चीज़ हमें करनी है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, कम समय में ज़्यादा समझाना है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी देर नहीं रुक सकते। सब थोड़ी देर का, थोड़ी देर हम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है कि भाई कूड़ा कूड़े दान में डाल। लोग यहाँ आए हैं, जैसे कि आज जो गांधी जयंती है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा लोगों को बताएँ कि जो जितने गंदगी जो फैला के यहाँ जाते हैं उनको आप समझाएँ, और गंदगी जो है जितना भी है जो भी है ये है कूड़ा दान वाला। ये है सेवा, और तुम्हारा नाम क्या? वैसे गणेश। तो वैसे ये लोग स्पेशली मेरे से तेलंगाना से मिलने आए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं ना, और वो भी महादेवी लाइब्रेरी के थ्रू। अब इसे एक तो कुछ अलग ही है, स्पेशल लोग हैं ये। सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी, स्वच्छता का रखे ध्यान, स्वच्छता का रखे ध्यान। डस्टबिन रखिए भैया, यहाँ डस्टबिन, सब लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं। या तो पॉलिथीन में रख के डस्टबिन में डाल दीजिए। तो मांडूवाला का जो भी हमारा यहाँ का सफाई अभियान था यहाँ से ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ से निकलेंगे सिद्धूवाला की तरफ, और वहाँ जाके अभी आपसे जल्दी मिलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पे। तो सिद्धूवाला से पहले एक बाला सुंदरी मंदिर पड़ता है, जो कि यहाँ का भी अच्छा है,
एकदम जंगलों में है, हम यहाँ हमेशा आते हैं, कुछ भी पूजा वूजा या घूमने का मन भी किया तो ये जगह इतनी अच्छी है कि हम ऐसे भी चले आते हैं। तो अब यहाँ पे साफ़ सफाई होगा और ये हैं प्रीतम आप इन्हें जानते ही होंगे वैसे, लेकिन फिर भी जान लीजिए, ये हैं प्रीतम, मेरे रूममेट है। और आज हम यहाँ बालासुंदर, पहले मांडूवाला से निकले थे कि डायरेक्ट सिद्धूवाला जाएंगे, बट बीच में बालासुंदरी मंदिर है जहाँ की हम रुके हैं। और यहाँ भी लोगों को वैसे यहाँ से जितना भी कूड़ा कचरा होगा उठा के हम ले जाएंगे और फिर एक जगह डंप करेंगे जहाँ पे स्पेशली कूड़ा कचरा होता है, सब जहाँ पे रखा जाता है या डंप किया जाता है। तो अभी हम वहाँ यहाँ से उठा के और ले जाएंगे। तो अभी आपको बालासुंदरी मंदिर के छोटा सा व्यू दिखाता हूँ आपको। वैसे मैंने कोशिश सोचा तो है कि यहाँ का भी पूरा ब्लॉग बनाऊँ, वैसे अलाउ नहीं है यहाँ पे अंदर फोटोशूट और वीडियो करना, बट मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे परमिशन मिला तो मैं यहाँ का भी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और जल्दी आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ बालासुंदरी मंदिर का। ये हैं देख के उठाने वाले, वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ कि देख के उठाने स्टार्ट कर दिए। क्या बोलूं यार तुमको, यही करना है। और भैया हमारे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भैया आपके जितना मेहनत मुझे भी सिखा दो यार, कैसे कर लेते हो इतना मेहनत आप एटीट्यूड बोलेंगे ही नहीं, भैया के पास बहुत एटीट्यूड है। ये देखो आप, जहाँ देखोगे आप ये सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं। और ये लड़का तो बस वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ कि बस बनाना स्टार्ट हो जा रहा है इसका, कचरा उठा देखो आप, उस टाइम से इसने बस दो कचरे उठाए उस टाइम से, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, देखता हूँ अभी सर। अभी कुछ दो शब्द हमारे बीच रखेंगे, बताएंगे कि आज जो भी है उसके बारे में सर अभी बताएंगे आपको। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज महादेवी लाइब्रेरी जो हमारी शेरपुर में स्थित है, महादेवी लाइब्रेरी एक युवा टीम है जो एक युवा सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उस टीम का यही मकसद है कि युवाओं को प्रेरणा देना, जागृत करना और कुछ नया करना। इस नए अभियान के लिए आज 2 अक्टूबर जैसा कि छुट्टी का दिन रहता है पहले से चलता आ रहा है, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस युवा पीढ़ी ने आज स्वच्छता अभियान रखा है। और ये स्वच्छता अभियान जो रखा गया है ये माँ बालासुंदरी मंदिर मांडूवाला सिद्धूवाला में स्थित है, यहाँ से शुरुआत की जा रही है। पूरी युवा टीम है, आप देख सकते हैं हमारी युवा टीम है, इसमें सभी लोग मौजूद हैं। ये पूरी युवा टीम आज सफाई अभियान के लिए यहाँ से शुरुआत करेगी और मांडूवाला तक जाएगी। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, जो लोग मंदिर में आते हैं मंदिर की गरिमा को बनाए रखें, प्रसाद खाएं, प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन जो उसके पत्तल है, दोने हैं, ग्लास है, उस कूड़े को अन्यथा ना फेंकें, जंगल में गंदगी ना फैलाएं, उसे कृपया कूड़ेदान में डालें या एक निश्चित स्थान जहाँ पर बना हुआ है उसमें डालें। नेहा मैम कहाँ जा रहे हैं, मैम पूरा डंप करने जा रहे हैं, यहाँ पे आसपास है कुछ आगे है, ओके तो अभी हम पूरा डंप करेंगे और वहाँ मैम कुछ बोलेंगी आपसे फिर लास्ट में। हाँ ठीक है, हम यहाँ पूरा डंप कर रहे हैं, हम ये वाला भी तो यहाँ हमने कूड़ा डंप कर दिया और कूड़ा डंप करने के बाद अब यहाँ से हम निकलेंगे। और अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे फिर नए ब्लॉग में। वैसे मैम आपसे कुछ बोलने वाली थी, मैम आप बोले। अभी हम यहाँ पे कूड़ा डंप करने आए हैं और आप लोगों के लिए एक संदेश है कि जैसे आप लोग अपने घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस स्टेट को, कंट्री को स्वच्छ रखें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे घर के बाहर कूड़ा ना फैलाएं, जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही आप अपनी कंट्री को भी स्वच्छ रखें। और प्लीज़ दुबे जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल फॉलो कीजिए और आगे आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे इनका हौसला बढ़ता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जैसे कि मैम ने बताया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जितना हो सके। और मिलते हैं आपसे जल्दी नए नए वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पर।